यह क्वेश्चन दिया गया है कि यदि टेन ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट में 3 और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट में 3, तो दिया गया है कि 0 यदि ए प्लस बी जो है 0 से बड़ा है या 90 से बराबर या उससे छोटा है, जबकि ए बड़ा हो बी से, तो ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार दिया हो तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे टेन ए प्लस बी इक्वल टू करणी में 3, ठीक है। अब देखेंगे कि यह करणी में 3 टेन कितना का मान है, तो यह उतार देंगे टेन ए प्लस बी, और यह टेन कितना का मान है, 60 का, यह हो गया 60। तो यहाँ पे टेन 60 का मान हो गया, तो यह हो गया यह 10 से 10 यहाँ पर बचा गया ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 60। समीकरण नंबर, अब यहाँ पे देखिए यह पहला हुआ, अब दूसरा जो लिखेंगे कि ये दिया गया टेन ए माइनस बी इक्वल टू दिया गया है 1 बटा अंडर रूट में 3। तो अब देखेंगे कि टेन जो ए माइनस बी का जो इक्वल टू में जो मान दिया गया है, टेन के रूप में कितना का मान है, 30। हाँ, टेन 30 अंश का मान है, समझ में आ रहा है। तो टेन से टेन यह क्या हो गया, क्योंकि यह 30 अंश का मान है, तो टेन से टेन हट गया, ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30। समीकरण नंबर, और हमने 10 के जो पहला पाठ था, पहला कह रहे हैं तीसरा जो पाठ था समीकरण बनाने वाली कहानी, कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण बनाकर ए बी का एक्स वाई का मान निकालते थे, उसी प्रकार से हम ए बी का मान निकालेंगे। तो दिखाएंगे कि समीकरण एक एवं दो को केवल जोड़ने पर, क्योंकि यह प्लस में है बी और यहाँ पे मैं लिखेंगे समीकरण एक एवं दो को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखिए, जब जोड़ेंगे तो पहला जो है ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, 60 है, और यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो दुगो ए, एगो ए, एगो ए, दुगो ए, बी से बी 30 और 60, यहाँ से जब यह कट जाएगा कवर में 45 बार में, ए का मान कहा गया, ए का मान समीकरण एक में रख देंगे, ए का मान समीकरण किस में रख दें, एक में रख दीजिए, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण जो दिया गया है, पहले हम दिखा दें कि समीकरण क्या है, एक समीकरण एक यही है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। अब ये क्या सना पे 45 रख दें, 45 प्लस बी इक्वल टू प्लस है उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15 यहाँ पे अंश हो गया, ठीक है। यहाँ पे अंश बना लीजिएगा, इस सब में अंश बना लीजिएगा, अंश है ये, अंश है अंश। तो देखिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो देखिए, यह एक क्वेश्चन दिया गया है त्रिकोणमिति का, 2 10 30 अंश पूरे के बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो इसका एक सूत्र भी होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर यहाँ पे हम इसको अगर इस तरह से हल करेंगे, तो ये हो जाएगा इसके स्थान पर जो थीटावा है उसमें 2 से गुणा कर देंगे, आगे साइन लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब कि sin 2 और थीटे के स्थान पर 30 है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, अतः हमारा उत्तर हो गया sin 60। क्या हो गया, sin 60 हो जाएगा, इसका मान जो होगा sin 60 हो जाएगा। परंतु अब हम इसको अलग तरीक़ा से करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम दिखाएंगे कि यह जो होगा 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट में 3, और यह होगा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है 30 अंश, ये हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए, यह पहला तरीका था, यह दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, तो यह गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट में 3, और यहाँ पे हो जाएगा यह 1
प्लस यहाँ से जब इसको वर्क करेंगे तो एक और इस वर्ग से यह कर्णी हट जाएगा तो तीन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा दो बटा अंडर रूट में तीन बटा यह अंडर रूट में तीन है, तीन का मा तीन और एक यहाँ पे चार हो जाएगा पूरे के बटा में तीन हो जाएगा। अब यह यहाँ पे गुणा करेगा और यह यहाँ पे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा दो इंटू तीन बटा अंडर रूट में तीन इंटू चार। दो से यह दो बार में कट जाएगा, यह करणी में तीन से यह करणी में तीन बार में कट जाएगा, मतलब हमारे पास बच गया अंडर रूट में तीन बाई दो। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमारा दिया गया है, पहला ऑप्शन जो दिया गया यह ऑप्शन वाला क्वेश्चन है साइन साठ अंश और साइन साठ अंश दिया गया है। दूसरा जो ऑप्शन है कास साठ अंश दिया गया है। तीसरा जो ऑप्शन है टेन साठ अंश दिया गया है। और चौथा जो ऑप्शन है चौथा वह दिया गया है साइन तीस अंश। तो ये देखिए हम देखेंगे कि साइन तीस अंश का मान जो होता है एक बटा दो होता है या तो यह होगा नहीं। टेन साठ का अंडर रूट में तीन होता है यह होगा नहीं। कास साठ का जो होता है एक बटा दो होता है होगा नहीं। और साइन साठ का मान कर्णी में तीन बटा दो होता है इसलिए यही सही होगा। तो एक तो तरीका यह था और एक तरीका यह था आपको ज्ञात करने के लिए। तो ये वाला तरीका जो होता है ना वो ऑप्शन से नहीं आप ऐसे ही जानेंगे और ये वाला ऑप्शन से जानेंगे। ठीक है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।